क्या आप जानते हैं कि ताश के पत्तों में एक ऐसा भी राजा होता है जिसकी मूंछ नहीं होती, और दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां की ट्रैफिक लाइट में ग्रीन नहीं बल्कि ब्लू कलर होता है। तो कौन है ये राजा और कौन सा है ये देश, ऐसे ही बेहद विचित्र और रोचक तथ्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो एंड तक बने रहना, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। फैक्ट नंबर 1, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होगी वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें होती है लेकिन एक की नहीं होती है, और वो राजा होता है किंग ऑफ हार्ट्स। दोस्तों इसके पीछे का फैक्ट ये है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया, और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान ना दिया हो लेकिन इनमें से 3 राजाओं की मूछें भी होती हैं। फैक्ट नंबर 2, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के शानदार प्रोडक्ट की इमेज बन जाती है, पर जरा रुको, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम था बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने तुरंत ही कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में ये दोनों कंपनियां इस नाम को यूज करने के लिए राजी हो गई थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों फोटो खींचते समय सही चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फोटो खींचते समय सही प्रोन्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। इसके पीछे का फैक्ट यह है दोस्तों कि दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों लड़के लड़कियों को रिंग देकर प्रपोज करते हैं ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या जानवरों के बीच में भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं पता ना? इसका जवाब है जी हाँ दोस्तों, पेंगुइन्स के बीच कुछ ऐसा ही होता है। अधिकतर प्रजातियों के पेंगुइन्स पूरी लाइफ के लिए किसी एक पार्टनर को ही चुनते हैं, और अपनी पसंदीदा पेंगुइन को पाने के लिए मेल पेंगुइन्स उसे सबसे स्मूथ और गोलाकार पत्थर देते हैं, और उनके जवाब में अगर फीमेल को वो पत्थर पसंद आ गया तो वो उसे अपने घोंसले में रख देती है, और जल्द ही दोनों साथ में रहने लगते हैं, मानो प्रपोज करने के बाद शादी कर ली हो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। शौक मत होइए दोस्तों, ये सच बात है। वो बच्चा होता है ब्लू वेल का, जो अपने पहले ही साल में हर रोज 90 kg भारी होता जाता है, और एक एडल्ट ब्लू वेल की बात करें तो उसका वजन 1.4 लाख प्रति kg तक का हो सकता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है तो आप 10, 15 या 20 लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया के द मैन विद द गोल्डन आर्म के नाम से जाने जाते 81 साल के जेम्स हैरिसन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया, और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो क्या है इनके ब्लड में, दरअसल उनके खून में एक बहुत रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा है दोस्तों, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों को होने वाली रिसस डिसीज के इलाज में उपयोगी है, और यही कारण है कि वे अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए हैं। तो एक सैल्यूट दिल से इनको। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर या ब्रिज का अभाव है, वही नीदरलैंड के द हेग्यू शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सके। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1,08,00,000 रुपए लगे। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया, और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। खैर जो भी हो, लेकिन वहां की सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी। फैक्ट नंबर 8,
कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वे कहते हैं, क्या पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही जो तुम्हें हर समय पैसे देते रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ जगह ऐसी भी हैं दोस्तों जहां पैसे तो छोड़िए, हीरा और डायमंड्स की बारिश होती है। यकीन नहीं हो रहा ना, लेकिन ये सच बात है दोस्तों। सैटर्न और जुपिटर ऐसे ही दो ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन मौजूद है, और जब मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड ना बन जाए, और इस तरह वहां हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, जहां 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करते हैं, वही अमेरिका की चाउ स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट्स में एंटार्क्टिका जैसा टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल था। ये महान उपलब्धि चाउ स्मिथ ने 2017 में हासिल की। और एक मज़ेदार किस्सा ये भी है दोस्तों कि एक बार तो वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने से जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़ी भी और पूरी भी की। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, आपने लूडो तो जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लूडो में जो पासा या डाइस होता है उसके किसी भी दो अपोजिट साइड्स का सम कितना होता है? और उसका आंसर है 7। कैसे वो जानते हैं? डाइस में दोस्तों कुल 6 फेस होते हैं, 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5 और 3 के ऑपोजिट 4। अगर आप इनमें से किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो सम आएगा नंबर 7। है ना मज़ेदार? एक और मज़ेदार बात भी है दोस्तों, ये जो नीचे दिख रहा है वो सब्सक्राइब का बटन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लेके। तब तक के लिए बाय बाय।